हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास है 100 वाट का बल्ब जो फ्यूज हो चुका है और हम लोगों के घर में भी फ्यूज होता रहता है तो हम लोग फेंक देते हैं। आज हम लोग का खतरनाक जुगाड़ करने वाले हैं। हम लोग इसमें से एक बल्ब लेते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। पहले हम लोग एक बल्ब लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसमें एक तरफ को ब्लैक पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग हटा लेंगे ग्लास के सहायता से। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको निकाल लिया है और हम लोग अब ग्लव पहनेंगे। इसके बाद इसके अंदर का पार्ट निकालेंगे। इसको आपको बहुत सावधानी से निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए तो हमारा आसानी से निकल गया। आपको भी ऐसे निकालना है, बहुत ही सावधानी से। अब हमने इसको निकाल लिया तो हम लोग लेंगे बल्ब। ये आप लोगों को 1-2 रुपए में मिल जाएगा और हमने इसमें स्लिप लगा दिया है, फाइबर स्लिप, ताकि ये सटे ना। हमने इसको सीरीज में जोड़ लिया है और आप लोगों को भी ऐसे जोड़ना है। तो हम लोग अब बल्ब को लेते हैं और इस बल्ब और इस LED बल्ब को के अंदर डालेंगे। इसको डालने से पहले हम इसको ग्लू गन से दोनों को चिपका देंगे। तो अब ये अच्छे तरह से चिपक गया है और हम लोग इसको 100 वाट के बल्ब में लगाएंगे जिसको हमने अच्छे से लिखाना था उसके अंदर। अब हम लोग इसको ग्लू गन से अच्छे से चिपका लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से चिपका दिया है। तो हमने यहाँ पर इसको चिपका लिया है और हम लोग इसमें पानी डालेंगे। आप लोगों को पहले ग्लू गन लगा के उसके बाद पानी डालना है, नहीं तो ग्लू गन नहीं चिपकेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई जगह है कि पानी चला जाएगा। चलिए पानी को डालते हैं। और हम लोग इसको लटकाने के लिए इसमें तार लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि बगल में 2-2 होल है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको बांध लिया है। आप लोगों को भी ऐसे ही बांधना है। हमने उसी तरह और भी बना के रखा है। आप लोग देख सकते हैं हमने 5 बनाया है उसको लेके। और हम लोग इन बल्बों को चेक कर लेंगे कि अच्छे से जल रहा है या नहीं। हम लोग इन बल्बों को जो मोबाइल के चार्जर से जलाएंगे, लोग देख सकते हैं जल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने प्लस वाले को प्लस में जोड़ दिया है और माइनस वाले को माइनस में। इसी तरह से हमने सब कनेक्शन कर दिया है। चलिए अब चालू करते हैं।